पता नहीं मुकलब भाई को ये बहुत अच्छा लगता है या नॉर्मल लगता है या वैसे वैसे जेंदे भी लगेगा मुकलब भाई तुसी कहना बहुत अच्छा है ठीक है ठीक है मैं सच्ची गल दसांगा सर जे तो मजा आया तो फिर भी दसांगा जे आया तो फिर भी दसांगा समझ गए ना मजा समझ गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन में दिन तो नहीं बार काफी रात है। आज की वीडियो में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूं राना सदर और आप हैं इस यूट्यूब चैनल सरोरा के ऊपर। वक्त जो है वो हमारे पास हो चुका है करीब 1:45 का, यानी कि 12:30 से ऊपर जा चुका है, 1:45 से भी थोड़ा सा वक्त जो है वो रहता है हमारे पास। डियरेस्ट कासिम साहिब, कासिम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल परसों, पता ही आप कैसे, मैं व्यूअर से पूछ रहा हूँ। कासिम साहब परसों के आए हुए हैं ना? जब से मैं हूँ तब से मैंने वीडियो नहीं बनाई। नहीं, मैंने वीडियो बनाई, आप सोए हुए थे परसों सुबह, फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। वीडियो बना के तबीयत खराब, तो वीडियो बना के तबीयत खराब हुई थी। तो कासिम साहब हमारे पास इस्लामाबाद से आए हुए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं। तो अभी आप इस टाइम क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी इस टाइम ये मेरा जागने का टाइम है। आपको पता नहीं इस्लामाबाद के लोग रात को इस्लामाबाद वाले टाइम पे सोते हैं, कराची वाले जागते हैं। ये असल में हम हॉस्टल में रहते हैं। हाँ, हॉस्टलाइज बोलो ना यूनिवर्सिटी के लोग। इस्लामाबाद के हॉस्टल है ना, इस्लामाबाद मेंशन मिलना जरूरी है। ओह माय गॉड, तो देखिए हमारे पास ये इस्लामाबाद का लड़का है। देखिये उनको तो मैंने लेना ही लेना था। और मुकल्लफ भाई, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मुकल्लफ भाई, आप बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और हमें आए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, और बातों बातों में असद भाई ने वीडियो भी नहीं बनाई, और अभी जो टाइम हो गया तकरीबन 12:30-1 का हो गया, और हमें लग गई है भूख शदीद वाली। मतलब बातें कर करके सो गए मुकल्लफ भाई, बातें कर करके जब हमें भूख लग गई है। ऐसे तो अभी ऑर्डर किया है, ऑर्डर क्या किया है वो भी असद भाई दिखाएंगे। और माशाल्लाह असद भाई से मेरी जो है ना वो पहली मुलाकात है, एक्सटेंड के बाद पहली मुलाकात ऐसे ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई की ये जो है ना बहुत हिम्मत है, और मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। माशाल्लाह काफी जो है ना बेहतर भी हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने स्ट्रगल किया है, तो मुकल्लफ भाई तारीफ करने से पहले थोड़ा बता दिया करे, बंदा रेडी तो हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं वो क्या उसके बोलते हैं वो नहीं नहीं वो जो रिप्लाई देते हैं, रिएक्ट क्या करूं मैं इस टाइम? आप जानते हैं या फिर आप जानते हैं इतनी तकलीफें जो मैंने बर्दाश्त की। कोई बात, मुकल्लफ भाई जिंदगी नाम ही तकलीफों का, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को अपने ईमान में रखें, स्पेशली बाइक के ऊपर जो लोग भी ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, उनके लिए ये जो है ना ये खतरनाक चीजें होती हैं। तो और मैं एक बात और ऐड करता चलूं, मुकल्लफ भाई की बात काट रहा हूं मैं। एक्चुअली मतलब मुकल्लफ भाई पता क्या है, मतलब मैं आपसे ना काफी ज्यादा टाइम बाद मिला हूं ना, तो वो एक होता है ना काफी सारी बातें पेंडिंग पे पड़ी होती है, वो जोश होता है बात करने का ना अपने पुराने दोस्तों के साथ स्पेशली। तो वो मतलब मैं आपकी बात इसलिए बार बार काट रहा हूँ। मुकल्लफ भाई भी जो है वो टूर के लिए रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह फिलहाल तो हम ये मुकल्लफ भाई, वैसे हेलमेट मुझे पसंद बड़ा आया था तब। हेलमेट? हाँ जी, नहीं हेलमेट अच्छा है, हेलमेट मजे का ये वाला ना आपको, माशाल्लाह बहुत मजे का। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई ये हेलमेट कितने का है, ये है भी मजे का। मैंने शायद आपने नोट किया जब भाई अजमत लेके आए थे ना जी, तो मैंने मतलब पहन के जो था ना वो चेक किया था, बड़ा मजे का था ये। ठीक है ठीक है, सही हो गया। अजमत भाई लेके गए थे यहाँ से, अजमत भाई ने 3-4 चीजें मुझे यहाँ से बाइक ही लेके गया, माशाल्लाह बहुत दोस्तों ने पसंद की है। नहीं माशाल्लाह अच्छी चीज भाई, अजमत की जो है वो शॉपिंग की काफी ज्यादा प्रैक्टिस है। काफी जब बेहतर फील कर रहा हूँ। मुकल्लफ भाई वो हमने कुछ मंगवाया था, वो तो आपने बताया नहीं, मंगवाया क्या था? पिज्जा मुझे नहीं याद है। ओहो, अभी हमने ऑर्डर दिया पिज्जे का, और ये जो मैंने मतलब हुडी शुडी ऊपर की हुई है ना, ये रीजन ये है। मैंने कहा शायद आपने हमसे ना मेरे और अजमत भाई से कहूं से कोई चीज मंगवाई है काल काल के, तो मैंने कहा काल तो नहीं की, मैं उस बारे में सोच रहा था। वो एक्चुअली होता है ऐसे कि बंदे के माइंड में जो चीज बात चल रही होती है ना, जब अचानक से वो तो भूख लगी है ना, अचानक से चेंज क्वेश्चन आ जाए ना, तो बंदे के माइंड थोड़ी स्ट्रक होता है, वो सोच रहा है इस सिनेरियो में तो कोई बात ही नहीं ऐसी है। बात ये है कि कासिम भाई है नहीं ये। हाँ जी, कासिम भाई जब हम लोग आए हैं, मैं और अजमत भाई सो रहे थे, सही 7 बजे सो रहे थे जनाब, अभी उठे और अभी माशाल्लाह अपनी स्टडी इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि स्टार्टिंग में बताया असद भाई ने और कासिम भाई ने, इस्लामाबाद के लोग रात को जागते हैं दिन को सोते हैं। वैसे मुकल्लफ भाई मैं मतलब कासिम की बात से एग्री नहीं करता इस बात को, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद के लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, मैंने जो चेक किया था। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं। ये जो है ना ये हॉस्टलाइज लड़के हैं और ये यूनिवर्सिटी के लड़के, ये इनका साब हो रहा है। वहाँ पे ये सीन होता है कि
रात को लेट सोते हैं लोग, मतलब 3-4 बजे तक। हाँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो जाते हैं 12 बजे तक, पर कुछ रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं स्पेसिफिक जहाँ पे बंदा घूमता फिरता रहता है बाहर, तो बाहर के लोग बाहर घूमते भी रहते हैं। बैर कैफे एक बड़ा अच्छा बातों बातों में क्लू मिल गया। रात के वक्त घूमते रहते हैं। और जी हमने ऑर्डर दिया है जी पिज्जा शरीफ, हम इस टाइम सोच रहे थे कि क्या ऑर्डर दे क्या ऑर्डर दे, तो फाइनली जो है वो हमारा फाइनलाइज हो गया कि हम लोगों ने जो पिज्जा ऑर्डर किया है, ऑर्डर के तरला ही मारा जनाब के हमें दे जाए आके। बाकी ऑर्डर माड़े बंदे ऑर्डर क्या करते हैं। अभी इस टाइम घर वालों को भी तकलीफ नहीं ना देनी, ये भी तो वैसे जितनी जितनी ऊंची हम बोल रहे हैं चाहे वैसे वो तंग हो। वो अलग बात है। ये है। और मैं बता रहा था कि मैं हुडी छुडी इसलिए, ये असद भाई की मोहब्बत है। मैं इन्होंने आते वक्त भी बोला था कि खाना खाएं, तो हम लोग खाना खा के आए थे, वो असद भाई की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, सियालकोट से ते खाना खाया था, सर्दी बहुत ज्यादा थी, फिर चाय पी दी हम लोगों ने, लेकिन बातें करते करते असद भाई के साथ काफी टाइम से बातें की है और गपशप लगाई है, पिछले टूर की बातें और पिक वगैरह देख रहे थे हम लोग गाँव के बारे में, और मतलब काफी अच्छी मेमोरीज थी जो थी ना वो हम लोग याद कर रहे थे। इनकी ट्रैवल की मेमोरी जब स्टार्ट हो जब तुम कर लो फिर टाइम का पता नहीं लगता कहाँ पे कैसे गुजर जाए। तो माशाल्लाह असद भाई जब टूर पे गए थे ना इनकी मैंने वीडियो वगैरह देखी थी, मैं तो नहीं था इनके साथ, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाते थे। तो बस ये है कि हादसा कभी भी हो सकता है, किसी जिंदगी का हिस्सा होता है, ऐसे ही बात में भूख लग गई, फिर हम लोगों ने असद भाई से इतनी गपशप हुई है कि बातों में लग गया भूख। अभी ऑप्शन यही था कि ऑर्डर किया जाए, और ऑर्डर किया जी पिज्जा, अभी पिज्जा खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह। अभी आता तो आपको दिखाते हैं उसकी ऑर्डर डिलीवर करने वाले की कॉल आ गई थी बीच में, हम वीडियो कैप्चर कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, काफी डीप पहुंच गए थे हम बातों में, तो उसकी कॉल आ गई अभी जैसे इंशाल्लाह वो आता है। वैसे उसके बाद मजे की बात बताऊं जी जी, मेरा प्लान था जब आप माशाल्लाह आपने बाइक ली थी, फिर आपको देख के मैंने भी बाइक ली, ऐसा ही हुआ था, प्लान बना था लेकिन प्लान था, आपसे बात भी हुई थी कि नहीं, हुई थी इंशाल्लाह हुई थी, तो बस वो इंशाल्लाह वो भी जाना आपके साथ भी इंशाल्लाह जरूर जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जल्दी जल्दी सेहत दे तंदुरुस्ती दे आप ठीक हो, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी एक बाइक टूर होगा, और मुझे स्पेशली आपके जितने भी उधर के टूर है ना उनकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस टूर में तो नहीं आपको लेके जा सकते, तो मिस करेंगे हम लोग बहुत, नहीं इंशाल्लाह सून बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह मैं भी ज्वाइन करूंगा टूर्स में आप लोगों को, और मेरी जो है वो तबीयत जरा अभी तक इतनी अच्छी नहीं हुई थी, और यही वजह थी कि मैं मतलब काफी बेहतर है मुकल्लफ भाई को ना वो इतने अच्छे से कंपनी भी नहीं दे सका, नहीं वो हुई है ना सर दर्द वगैरह स्टार्ट हुई हुई है वो अभी तक जरा बाकी, इसलिए मैंने हुडी शुडी और अपर शपर जो है वो सारा कुछ एज ए ड्रेस पहना है, और लेटा हुआ मैं, कोई भी चोट और उसमें आपको पता है कि केयर की बहुत जरूरत होती है, तो माशाल्लाह आपने की भी है और आपकी हिम्मत है, और अभी माशाल्लाह काफी बेहतर असद भाई फील, यकीनन आप सब भाइयों की दुआएं और जो है वो मतलब कोऑपरेशन है उसी आपके उसी वजह से ने ना माशाल्लाह बहुत दुआएं की हैं, ऐसे ही की मोहब्बत कोई शक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हुए हैं आप, इंशाल्लाह जो रहती रहती कसरत वो भी निकलेगी, इंशाल्लाह फिर उसी तरह हमारे साथ एक टूर करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, हम कल इंशाल्लाह आपसे टूर करेंगे, अभी बातें नहीं करते, अभी पिज्जा आता है और पिज्जा खाते हैं इंशाल्लाह भाई, और जिसका था इंतजार वो आ गया, पकड़ो पकड़ो हो गई, लड़ाई करनी है मेरे साथ पिज्जा सर, और जी ये रहा हमारा पिज्जा मजेदार सा माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे ये स्कीम अच्छी है, हाँ ये बड़ी मजे की स्कीम है, इसीलिए इनको हम ऑर्डर देते हैं ज्यादातर ना, मतलब भाई वेख के तो सब मजा आएगा माशाल्लाह, दो फ्लेवर है एक पिज्जे में, दो फ्लेवर एक पिज्जे में, दो पहली दफा देख रहा हूं, अच्छा मुकल भाई मजा आएगा वैसे, तो खुशबू से तो लग रहा है मजा है ना, मजेदार है ना मुकल भाई, आएगा मजा, रख दो सुबह खाएंगे सुबह खाएंगे, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है, आराम से खानी चाहिए, मजा ज्यादा आता है, वाकई मैंने ये पहली दफा देखा भी है, आपने ऑर्डर करवाया था मैंने नोट नहीं किया, दो फ्लेवर तो मजा, बचत भी करनी चाहिए ना मुकल्लफ भाई, बचत महंगाई का दौर है, फिर अगो से ब्याह भी कराना है, तो फिर ऐसी बात है बचत करांगे तो ब्याह आएगा ना। पिज्जा की करते हैं जी अनबॉक्सिंग, ओहो अनबॉक्सिंग तो होगी है, सॉरी फीता काटते हैं मुकल्लफ भाई, मुकल्लफ भी फड़ो पीस, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे भी हो सकता है, इसको यूं पकड़ के
और ये इस तरह की जरूरत ही नहीं होती यार, इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी वीजा खराब हो सकता है। मैं कह रहा था शायद आप ऐसे करने लगे। नहीं नहीं वो खराब है गम कल भाई, वो कट से मिले हुए सिंपल तो सीना ने फाड़ के ना ए देखो ऐसा ऐसा साइड ऐसे ऐसा साइड मान रहे यार वो थे ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਂ ਕਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਜਿਮ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਡਬਲ ਫਲੇਵਰ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਖਾਤੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਕੱਲਾ ਬਈ ਖਾਓ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਖਾਇਆ ਹੈ ਤੋ ਤਬ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਥਾ ਆਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਹੈ ਅਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਕੱਲਾ ਬਈ ਕੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇਂਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਮਕੱਲਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਰ ਜੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਅੱਖ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ मैं स्पीड में खाता ताकि मैं ज्यादा खा सकूं। एक हार्डीज है ना, हार्डीज एक हाउडी है, दोनों अलग अलग है। पिज्जा ये मुके नहीं अगर नहीं खा लिए गला शुरू लाहौल वाला कुवत के आपने अभी सफर करना है तो रास्ते में क्या क्या ट्राई करें खाने के लिए, अगर आपको कुछ नया दिल करे आप पिज्जे में और बर्गर में इस ब्रांच पे आप जा सकते हैं। कौन सी है भाई दोबारा बताएं। मैंने कहा एक हार्डीज था ना, हार्डीज ने ट्राई किया, मैंने हुडी भी ट्राई करी है। हुडी अच्छा ठीक है, जैसे हुडी मैंने पहनी हुडी वो हुडी होती है ना, ये हुडी मैंने पहनी है यही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिज्जा बहुत मजेदार, भूख भी बहुत ज्यादा। मतलब ये मैं दसना सी जी, मैं दसना सी नहीं नहीं मैं दसना अच्छा आपने इनसे था कैसे का लगा नहीं वो मैं बाद में पूछूंगा ना, पहले मैं खुद बताऊंगा तो फिर पूछूंगा ना कि ऐसा ना हो कि मैं कहूं बहुत मजे का लगा और मतलब एक नहीं लगा। अच्छा, या मतलब वो तो समझा लेता लेता बाद है ना, सबके अपने टेस्ट है। अब सर ने एक बात थोड़ी करनी, आपने वही पूछा मैंने पहले ही बता दिया। मैं कहूं पिज्जा का जो वाकई बड़ा मजा आया, और कसम से किस वाले फ्लेवर का ज्यादा मजा आया यार, क्रीमी का ज्यादा मजा। मैं भी यही कह रहा था, ये चिकन टिक्का है सेम है, लेकिन वो जो क्रीमी वाला था ना वो जरा यूनिक टेस्ट लगा, डिफरेंट। ऐसे ही है, आप कह सकते हैं कि वो ये था टिक्का वो था मलाई। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, ऐसे ही ना कासिम भाई। मतलब पिज्जा जो खूब इंजॉय किया और पेट भर के खा लिया, मैंने भी कसम भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट ट्रैक बस, और वाकई नहीं करना चाहिए आपके लिए छोड़ा था ये, ताकि आप खा सके। वो क्या कहते हैं उसको, मोहब्बत में, मोहब्बत में बैर के खा लेते हैं हम। कल भाई ने मार लिया छोड़ा भाई जी जी, खाने का असूल है, बेशक आपको आप फुल हो चुके हैं ना, लेकिन आपके साथ वाला खा रहा है तो फिर आपको खाना पड़ेगा। नहीं वैसे मैंने मतलब मैंने भी मुरव्वत नहीं छोड़ा था, मुझे भी बड़ी भूख लगी हुई आखिरी पीस रह गया, दोनों को लेकर मुझे भूख लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। नहीं 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 मैं तो फुल, मैं ज्यादा नहीं खाता, मैं हेल्थ कॉन्शियस। कासिम की मेरा पहली मुलाकात है मुकल्लब के साथ, ऐसे ही है। और वैसे बिल्कुल नहीं लग रहा वाला जो मुझे कासिम भाई ने बात बताई है ना, मैं तो हैरान हो गया हूँ। बिल्कुल भी जब वो नहीं लग रहा कि मुकल्लफ भाई के साथ जब पहले ही मुलाकात है कासिम की, वो ये वजह ना आपकी वीडियो में आते हैं और मुझे आइडिया है कि माशाल्लाह किस तबीयत का बंदा। असल में व्लॉगिंग का ये फायदा होता है ना, बंदा रोज देखता है स्क्रीन पे, हाँ ये बंदा ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, तो अभी इधर ही आ गए, क्या बात है। ये तो फिर वो ज़हन में होता है कि भाई इस तरह के हैं, उनके लिए शायद मैं थोड़ा नहीं हूँ, मेरे लिए नहीं है वो। हाँ ये तो है। बरकफ जी हमारी इंशाल्लाह कम्युनिकेशन जब उस तरह चलती रहेगी, पता नहीं काफी देर तक चलती है, कब तक चलती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपने बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो सके नहीं सोया मुश्किल है, लेकिन एक चीज है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब ये सारी कम्युनिकेशन, खाना पीना और इससे जो है वो मेरी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सदा खुश रहे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।